नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ मॉगर। तो चलिए दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला खबर है कोरोना टेस्टिंग का नया तरीका। तो सलाइन गारगर जो है आरटीपीसीआर टेस्ट को आईसीएमआर की मंजूरी, खुद कलेक्ट कर सकेंगे अपना सैंपल, 3 घंटे में मिलेंगी रिपोर्ट। कोरोना से मरने वाले जो है आश्रितों के लिए बड़े ऐलान। तो अनाथ हुए बच्चों को हर महीने मदद, फ्री पढ़ाई और बीमा, कमाऊ सदस्य की मौत हुई तो परिवार को पेंशन। वैक्सीनेशन के 134 दिन, तो देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 21 करोड़ डोज लगाए गए। महाराष्ट्र 2 करोड़ टीके लगाने वाला एकलौता राज्य बना। एमपी में 1 जून से अनलॉक की गाइडलाइन, तो किराना दुकानें खुलेंगी, स्कूल कॉलेज सिनेमा और मॉल बंद। हर शनिवार रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। यूपी में 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, 29 लाख स्टूडेंट बगैर परीक्षा के पास होंगे। 12वीं के एग्जाम जुलाई में, तो 1.5 घंटे में सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यूपी के स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी, तो अब कमज़ोर इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी बनेंगे इंजीनियर। तो हिंदी समेत इन 8 भाषाओं में जो है कर सकेंगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई। मेरठ में भैंस से रेप, तो पड़ोसी युवक कई दिन से भैंस से कर रहा था दुष्कर्म, तो मालिक की FIR के बाद आरोपी गिरफ्तार, तो पुलिस ने 5 लोगों को चश्मदीद गवाह बनाया। प्रयागराज में ब्लैकमेलिंग का नया ट्रेंड, तो फेसबुक पर फ्रेंडशिप कर लड़कियां करती हैं वीडियो कॉल, न्यूड होकर बनाती है वीडियो तो फिर बदनाम करने की धमकी देकर ऐंठती हैं रुपए। यूपी में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, तो कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को हर महीने दिए जाएंगे 4,000 रुपये, बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 1,10,000 रुपये। यूपी में रिकवरी रेट 96% पहुँचा, तो 24 घंटे में कोरोना से 159 ने जान गंवाई, तो अब मौतों का संख्या 20,000 पार। तो दोस्तों, 3,58,000 टेस्ट में महज जो है 2,402 संक्रमित मिले। तो दोस्तों, रेगुलर न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।